अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल इंटरफेस। यानी कि हम आज की वीडियो में एक्सेल इंटरफेस के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पहले सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपके पास ये जब हम कोई भी ब्लैंक वर्ड बुक को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है। तो ये आपके पास जो जिस ऑप्शन में आप मौजूद हूँ मैं, ये आपके पास क्रिएट न्यू वर्ड बुक होता है और ये जो ऑप्शन होता है ओपन अदर वर्ड बुक्स, यानी कि आप जो पहले से मौजूद इसमें वर्ड बुक हैं वो ओपन कर सकते हैं। और ये इस हिस्से को हम रिसेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो फाइल जो हम पहले ओपन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्लैंक वर्ड बुक के बारे में बात करूँगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्सेल के इंटरफेस आ जाता है। तो आपके पास एक्सेल के अंदर दो विंडो होती है, एक होती है आपके पास आउटर विंडो को हम एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं और इनर विंडो को हम वर्डबुक विंडो बोलते हैं। अब एप्लीकेशन विंडो के बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन विंडो क्या होती है। जितनी भी आपके पास ये आइकॉन नज़र आ रहे हैं ये आपके पास एप्लीकेशन विंडोज़ के बारे में बात करती है। और इसके अलावा जो जिस पोजिशन पर मैं मूव कर रहा हूँ ये आपके पास इनर विंडो कहलाती है जिसको हम वर्डबुक विंडो बोलते हैं। एप्लीकेशन विंडो के अंदर हम एक स्पेस होता है जिसमें वर्कशीट और वर्डबुक के एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि चार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास टॉप नज़र आ रहा है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जिसको हम QAT भी कहते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं जिसको हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले है सेव, अंडू, रीडू, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई इसमें ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आपको सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर प्रिंट व्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर प्रिंट व्यू का ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर प्रिंट व्यू का ऑप्शन आ गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर रिबन की। तो एक्सेल 2013 के अंदर रिबन का इस्तेमाल किया गया है। रिबन बेसिकली आपके पास जो ये टैब्स होते हैं, इस टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कि इसको हम रिबन बोलते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो एक्सेस होते हैं हम वो करंट टास्क के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर होम टैब है, उसके बाद इंस्टा टैब है। तो ये तमाम के तमाम जो टैब होते हैं और जो इसमें ग्रुप मौजूद होते हैं इसको हम रिबन बोलते हैं। एक्सेल में रिबन को इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि आप इजीली यहाँ पे जो करंट टास्क है उसको परफॉर्म कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्कशीट का स्पेस है वो ज़्यादा हो जाए तो आपके पास रिबन जो है इसको आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अब मिनिमाइज़ किस तरह करेंगे, आप सिंपली होम टैब पे आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास हाइड हो जाएगी, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मैक्सिमाइज जाएगी। तो हम डबल क्लिक करने के बाद देखें तो यहाँ पर जो इसका स्पेस है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर एक रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तीन ऑप्शन नज़र आएंगे मुझे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो हाइड, शो टैब्स एंड कमांड। जैसे अगर मैं शो टैब्स पर करता हूँ या फिर मैं शो टैब्स एंड कमांड पर करता हूँ तो ये तमाम के तमाम कमांड्स और टैब्स को शो कर देगा। इसी तरह अगर मैं खाली शो टैब्स करता हूँ तो यहाँ पर सिंपली शो टैब्स नज़र आएंगे, और अगर मैं इस रिबन को ऑटो हाइड कर देता हूँ तो मैं ऑटो हाइड का बटन पर क्लिक करूँगा तो ये रिबन ऑटोमेटिकली ऑटो हाइड हो जाएगी। अब इसको वापस किस तरह लेकर आएंगे, सबसे टॉप पर आके आप सिंपल क्लिक कर दें या फिर आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन कि ये थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप इस पर आगे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये जो रिबन है ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। अगर हम कोई काम वर्कशीट पर कर रहे होंगे, जैसे मैंने जिस क्लिक किया वर्कशीट पर तो यहाँ पर जो जिस सेल में आ रहा हूँ तो यहाँ पर वो फ़ौरन से जो रिबन है वो ऑटो हाइड हो गई। दोबारा देख लें, जैसे मैं किसी सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा हाइड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम रिबन को अपनी मर्जी से हाइड भी कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको
चाहिए वो टैब्स चाहिए तो आप टैब भी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, और अगर आपके पास कमांड और टैब दोनों चाहिए तो आप टैब्स एंड कमांड भी लेके आ सकते हैं। इसके बाद मैं फार्मूला बार की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ के पास जो ये एरिया नज़र आ रहा है इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं, और हम जो फार्मूला बार में लिख रहे होते हैं वो सेल में अपेयर हो जाता है, और अगर जो मैं चीज़ सेल में लिखूँगा वो मैं फार्मूला बार में भी यहाँ देख सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अगर C6 सेल में कुछ लिखता हूँ तो यहाँ देखें तो ये दोनों जगह अपेयर हो रहा है, फार्मूला बार में भी एंड सेल में भी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर नेम बॉक्स की। आपके पास जो नेम बॉक्स होता है वो सेल का रेफरेंस को शो कर रहा होता है, मतलब कि अगर मैं जिस सेल में मौजूद हूँ तो यहाँ पर ये सिंपली कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ सेल की लोकेशन बता रहा होता है कि इस वक्त हम किस पोजीशन में मौजूद हैं। तो हम इस एरिया को हम जो ये D6 नज़र आ रहा है इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। उसके बाद मैं फाइल मेन्यू की बात करता हूँ जिसको हम बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं। तो मैं जैसे ये फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, तो इन ऑप्शन को हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं क्योंकि ये फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहा था इसलिए ये बैक पोजीशन में मौजूद होते हैं, तो इसको हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। उसके बाद मैं वर्कशीट व्यू की बात कर रहा हूँ, तो ये बॉटम पे देखें राइट साइड के बॉटम पे ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें हम जो वर्कशीट है जो हमारे पर वर्कबुक है उसको हम देख सकते हैं। जैसे मैं अगर पेज लेआउट को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मेरा लेआउट चेंज हो जाता है, इसी तरह मैं डिफरेंट लेआउट को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बराबर में देखें तो यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का बटन मौजूद है, इसमें हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यह था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।